सतना के चित्रकूट में नर्सिंग की एक छात्रा ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। उसने आत्मघाती कदम उठाने के पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। वहीं जान देने वाली छात्रा शादीशुदा बताई जाती है। करीब 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। चित्रकूट पुलिस नर्सिंग स्टूडेंट की मौत की जांच कर रही है। चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ के नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली नर्सिंग स्टूडेंट यूपी के अंतरा के पास ही रहने वाली थी। यहाँ नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहकर नर्सिंग थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। शुरुआती जांच में पुलिस को मृतका के कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि छात्रा ने पति से अनबन होने के कारण ये आत्मघाती कदम उठाया है। हालांकि सुसाइड नोट में लिखी बातों का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। 20 वर्षीय नर्सिंग स्टूडेंट की शादी नवंबर 2021 में राजेश मिश्रा के साथ हुई थी। उसका ससुराल भरतकूप के पास कुरारी गांव में था। पति यूपी के सरकारी स्कूल में मास्टर है, जहां पति से शादी के बाद ही उसकी अनबन चल रही थी। ज्यादा रोक टोक और पूछताछ पर उसे आपत्ति थी। जिस कमरे में वो रहती थी उसके अलावा 3 और छात्राएं भी रहती थी। शुक्रवार की रात उसने जहर पी लिया। जब जानकारी उसके रूममेट्स को लगी तो उन्होंने फौरन हॉस्टल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसे जानकी कुंड अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान नर्सिंग स्टूडेंट ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर उसके परिजनों को जानकारी दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चित्रकूट थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर लोगों से पूछताछ की जा रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।